हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल लर्निंग इज फन में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास वन का पेज नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ेंगे। ये सब रिवीजन के पेजेस हैं जो आपने प्री स्कूल और प्री प्राइमरी क्लास में पढ़े थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करो, इससे आपको हमारे सभी नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रिवीजन वर्कशीट है। क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। आपको इन पिक्चर्स के नेम्स नीचे लिखने हैं। ये देखिए, पहला पिक्चर किस चीज का है, पहचानिए इसको। ये है हैट, H-A-T, हैट। ये किस चीज का पिक्चर है, मग, M-U-G, मग। ये देखिए, ये किस चीज का पिक्चर है, टॉप, T-O-P, टॉप। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, ये एक पेन का पिक्चर है, P-E-N, पेन। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, ये किस चीज का पिक्चर है, हेन, H-E-N, हेन। ये देखिए, ये किसका पिक्चर है, पिग, P-I-G, पिग। चलिए इसको देखते हैं, ये है कैन, C-A-N, कैन। ये है डॉग, D-O-G, डॉग। अगला पिक्चर देखते हैं, ये देखिए, ये है बैट, B-A-T, बैट। ये है टब, T-U-B, टब। ये है टेन, T-E-N, टेन। ये देखिए, ये पिक्चर बेड, B-E-D, बेड। चलिए अगला पेज देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 2 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का। ये भी एक रिवीजन वर्कशीट है। क्वेश्चन है, चेंज द मिडल लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड। इसमें आपको जो मिडल में जो ये वॉवल दिया हुआ है, ये आपको चेंज करना है और एक नया वर्ड बना देना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये एक कप का पिक्चर है, तो यहाँ पे लिखा है कप, C-U-P, कप। और इसको हम चेंज करेंगे, ये यू को हम चेंज कर देंगे। और ये वाला किस चीज का पिक्चर है, कैप, C-A-P, कैप। यू की जगह हम ए लगा देंगे तो वो कैप बन जाएगा, C-U-P, कप, और C-A-P, कैप। हमने ए लगा दिया तो एक नया वर्ड बन गया और उसका मीनिंग भी बदल गया। ठीक है, चलिए अगला आगे पढ़ते हैं। ये किस चीज का पिक्चर है, नेट, N-E-T, नेट। अगर हम इस वॉवल को चेंज करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, N-U-T, नट। आगे पढ़ते हैं, ये पिक्चर देखिए, ये किस चीज का पिक्चर है, कॉट, C-O-T, कॉट। और अब अगर हम इस ओ वॉवल को चेंज करके कुछ और लगाते हैं यहाँ पे, तो एक नया वर्ड बन जाता है, C-A-T, कैट। ओ की जगह हमने ए लिख दिया तो वो कैट बन गया। और ये देखिए, कैट का पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, पिक्चर किस चीज का है, टैप, T-A-P, टैप। और अब इस वॉवल को हटा के अगर हम कोई और वॉवल यहाँ पे लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, T-O-P, टॉप। ये देखिए, यहाँ पे टॉप का पिक्चर बना हुआ है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ये किस चीज का पिक्चर है, हैट, H-A-T, हैट। और हैट की जगह, हैट में हम ए की जगह अगर कोई वॉवल दूसरा लगाते हैं तो ये देखिए, ये पिक्चर किस चीज का बना है, क्या वर्ड बन जाएगा, हम यू लगा देंगे इसके बीच में और ये बन जाएगा H-U-T, हट। चलिए अगला पिक्चर देखते हैं, ये किस चीज का पिक्चर है, कैब, C-A-B, कैब। और इस ए की जगह हम अगर यू लगा देते हैं तो बन जाता है कब, C-U-B, कब। ये देखिए, कब, कब यानी शेर का
छोटा बेबी जो होता है उसको कब कहते हैं। ये पेज नंबर 2 था, अब हम पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। ये भी एक रिवीजन वर्कशीट है जिसको हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट वॉवल बॉक्स। आपने वॉवल्स पढ़े थे, कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, टोटल 5 वॉवल्स होते हैं। और ये देखिए, ये वॉवल्स के सारे वर्ड लिखे हुए हैं। आपको हर एक वॉवल का वर्ड ढूंढ के उसके प्रॉपर कॉलम में लिखना है। जैसे ये देखिए, ये ए का कॉलम है, आपको यहाँ पे सारे ए वॉवल वाले वर्ड ढूंढ के लिखने हैं। ये ई का कॉलम है, आपको यहाँ पे ई वॉवल के वर्ड लिखने हैं। ये आई का है, ये ओ का है और ये यू का। यहाँ पे आपको इनके खुद जो इनके वॉवल के वर्ड्स हैं वो इस वाले बॉक्स में से छांट कर यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ढूंढने हैं अक्षर और यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो जो ए वॉवल का वर्ड है वो आपको ए वॉवल के कॉलम में ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है बी ए जी बैग, तो ये कौन से वॉवल का वर्ड है, कैसे पता लगेगा? ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ आपको। ये देखिए बीच में क्या, कौन सा वॉवल लिखा है, ए, तो हम इसको ए के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमने इसको ए के कॉलम में लिख दिया, बी ए जी बैग। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, बी यू एन बन, तो ये देखिए बीच में वॉवल कौन सा लगा है, यू, तो हम इसको यू के कॉलम में लिखेंगे। ये देखिए बी यू एन बन। ठीक है बच्चों, ये देखिए अगला वर्ड है पिन, तो ये आई वॉवल के कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कार, सी ए आर कार, ये इसमें ए वॉवल लगा है तो ये ए वॉवल के बॉक्स में जाएगा। अगला लेटर है एस यू एन सन, इसमें कौन सा वॉवल लगा है, देखो इसमें लगा है यू वॉवल, तो ये यू वाले कॉलम में जाएगा। ये देखिए सारे वॉवल्स के अलग अलग कॉलम्स हैं और ये उसमें जाएंगे। ठीक है, सिर्फ उस कॉलम का वर्ड ही उसमें लिखना है। वी ए एन वैन, इसमें ए वॉवल है तो ये ए के बॉक्स में जाएगा। एम यू जी मग, ये यू वॉवल का वर्ड है तो ये यू वॉवल के बॉक्स में जाएगा। पी ई एन पेन, ये कौन से वॉवल का वर्ड है, ई वॉवल का, तो हम इसे ई वॉवल के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है बिन, बी आई एन बिन, तो ये आई वॉवल का वर्ड है तो हम इसे आई वॉवल के बॉक्स में लिखेंगे। ये सारे वर्ड्स हैं और आपको इनको छांट के इनके पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखना है। ये वाले वर्ड्स भी मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ, बी ए जी बैग, सी ए आर कार, वी ए एन वैन, सी ए टी कैट, टी ए जी टैग। ये देखिए सारे ए वॉवल के छांट के हमने यहाँ पे लिख दिए ए वॉवल, क्योंकि ये ए वॉवल का ही कॉलम है तो हम यहाँ पे ए वॉवल के वर्ड लिखेंगे। ये ई वॉवल का कॉलम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, एन ई टी नेट, टी ई एन टेन, जी ई टी गेट। ये आई वॉवल का कॉलम है तो यहाँ पे हम आई वॉवल के सारे वर्ड लिखेंगे, पी आई जी पिग, एल आई पी लिप, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, एस आई टी सिट। और ये वाला कॉलम जो है ये ओ वॉवल का है तो हम यहाँ पे सब ओ वॉवल के वर्ड लिखेंगे, टी ओ पी टॉप, एल ओ जी लॉग, सी ओ टी कॉट, एफ ओ एक्स फॉक्स, सी ओ बी कॉब।
चलिए लास्ट में देख लेते हैं, यू ओवल के कॉलम में हमने कौन कौन से वर्ड लिखे हैं। एम यू जी मग, टी यू बी टब, बी यू एन बन, एस यू एन सन, बी यू एस बस। तो ये सारे वर्ड्स हमने इस वाले कॉलम में से ही उठाए हैं, ठीक है। इन्हीं में से हमने सारे वर्ड्स को छांटा और अलग अलग वॉवल्स के कॉलम में लिख दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।